हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड स्क्वायर स्क्वायर रूट्स का आज हम एक्सरसाइज 3 करेंगे और उसके अंदर आप स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रूट 16/81। तो यहां पर देखिए बच्चों, रूट इसका मतलब क्या है, दोनों का क्या करना है, रूट करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 16 का रूट करेंगे क्या आएगा हमारे पास 4, और 18 का करेंगे क्या आएगा हमारे पास 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 16/81 इक्वल टू इसका रूट क्या आएगा और इसका क्या आएगा 9। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन 64/225 कैसे लिखेंगे, रूट 64/225। अब 64 का जो रूट है वो क्या होता है 8, और 225 का होता है 15। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8/15। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रूट 121/256 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11, और 256 का क्या होता है 16। 11/16 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ 625/729, 625 का रूट 729 का रूट, 625 का रूट क्या होता है 25, इसका रूट क्या होता है 3/13/36 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हमें इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई किससे करें, 36 से, और उसमें 13 को क्या करेगा ऐड, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा 36। जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारे पास आएगा 36/81, 36/90/36 हमारे पास क्या आ गया 121/36 इसका स्क्वायर रूट। अब देखो हमें पता है कि 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11, और इसका रूट क्या होता है 6, 11/6 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/17/6 क्वेश्चन है, 4/17/324 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4/17/324 प्लस क्या हो जाएगा 17/324 मल्टीप्लाई कीजिए 4/4/16, 1/4/8 and 9 अब इसमें क्या ऐड करना है 73, इसका क्या निकल आया स्क्वायर रूट। प्लस कीजिए क्या हो जाएगा 9/9/16, 1 कैरी 3/1/3/4 अब देखो इसका अर्थ है रूट 1369 इसका रूट और 324 इसका रूट। अब हम इसका रूट निकालना है, रूट निकालने के दो मेथड है, एक तो प्राइम फैक्टर जैसे मेथड से रूट निकाल सकते हो, दूसरा आप डिविजन मेथड से निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे डिविजन मेथड से मैं निकाल रहा हूँ रूट, दोनों के पेयर बनाए मैंने, इस पर जा रहा है 2 2 4 3 3 9 4 4 16, तो इस पर जा रहा है 3 3 9 क्या आएगा 4, और 1 पेयर पर्सन चले क्या है इधर क्या आ जाएगा 4 6 9, 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, आप किस पर जा रहे हैं 6 6 7 ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारे पास, इसका जो रूट आएगा हमारे पास क्या है 37। इसी तरह से इसका रूट आप निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 89 आएगा, आप निकाल के भेज सकते हो।
वन वन जा वन, यहां क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास 3 वोल्ट 33 अपॉन 289। सबसे पहले देखिए 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसका रूट निकालना है, तो हमें क्या करना है इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 289 प्लस 33 अपॉन 289 का रूट, 3 9 27 2 3 24 2 26 3 2 6 प्लस 2 8 प्लस 33 अपॉन 289। जब आप इसको प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 900 अपॉन 289 का रूट। अब 900 रूट आप सभी को पता है कितना होता है 30, और 289 का क्या होता है 70, क्योंकि नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, √80/√405। इसको देखिए आप किस तरह से करोगे, सेम वही प्रोसेस है। 80 हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 16 मल्टीप्लाई 5 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 81 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं इसका, क्योंकि हम इसके ऐसे फैक्टर बना रहे हैं, या तो आप इसके प्राइम फैक्टर से फैक्टर कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा 40, तो उससे आ जाएगा 20, तो उससे आ जाएगा 10, तो उससे आ जाएगा 5। क्या बना गया आपने 16 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 होने क्या है एक बार, इसी तरह से 405 इसका वजह से बना सकते। ये यहाँ पे देखिए 5 बनता है, तो इसके भी 81 × 5 के फैक्टर बना सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं 16 का √5 यहाँ पर 281 √5 और √5 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 का रूट क्या होता है 4 और 81 का रूट क्या होता है 9, तो 4/9 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 9th क्वेश्चन, हमारे पास √1183/√2023 इसके प्राइम फैक्टर करो आप। देखिए किससे 2 से डिविजिबल है नहीं है, और फिर इसके बाद देखिए 5 3 से डिविजिबल है नहीं, 5 से डिविजिबल 7 × 7 7 6 × 42 6 और 7 × 9 57। इससे क्या हो जाएगा 169, इसको हम कह सकते हैं 169 × 7 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और नीचे वाले को हम किस तरह से लिखेंगे इसका भी प्राइम फैक्टर दीजिए। 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 से देखिए इसको 7 से डिविजिबल होगा क्योंकि ऊपर एक और 7 आया तो नीचे भी 7 जरूर आएगा, 7 × 2 = 46। इसको हम कह सकते हैं 17 × 7 = 289 × 7, तो इसको हम क्या लिखेंगे √169 × √7 और √89 × √7। 7 से 7 कैंसिल, √169 × 30 और इसको क्या हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30/70। इसके बाद देखिए नेक्स्ट √98 × √162। देखिए बच्चों को इससे इसकी प्राइम फैक्टर जैसे कर लीजिए आप, उससे जब डिवाइड करोगे 40
टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, 49 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 49 का रूट क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई, आप देखिए यहां से 3 आ गया, यहां से भी क्या रहेगा 3 क्या रहेगा हमारे पास अंदर रूट मल्टीप्लाई 7 से 21 मल्टीप्लाई 3 63 और 63 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 क्या जाएगा 2 हो जाएगा।